नमो नमः सर्वेभ्यः। संधि प्रकरण की इस प्रक्रिया में आज अपन जिस संधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह आज अपना संधि प्रकरण रहेगा गुण संधि। पिछले वीडियो में अपन विभिन्न प्रकार की संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे यण संधि, दीर्घ संधि, अयाडी संधि। आज का जो अपना संधि रहेगा वह रहेगा गुण संधि। संधि प्रकरण पढ़ने से के लिए प्रत्येक संधि के लिए अलग अलग सूत्रों का विभाजन, अलग अलग सूत्रों के नियमों का वर्णन कर रखा है। यण संधि पढ़ा था तब अपने पढ़ा था एक को यण जी, अयाडी संधि में पढ़ा था एचो हिवाया वह, और दीर्घ संधि में पढ़ा था अकह सवर्णे दीर्घ। यहाँ पे बात करते हैं अपन गुण संधि की, और गुण संधि में मित्रों देखना, गुण संधि और वृद्धि संधि में दो प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, एक संधि विधायक सूत्र और दूसरा संज्ञा विधायक सूत्र। संज्ञा का मतलब जिससे पहचान हो जाती है, और संधि का मतलब जहाँ पे प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पे दो सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, एक सूत्र होगा अपना गुण संज्ञा विधायक गुण संज्ञा विधायक सूत्र, दूसरा सूत्र होगा गुण संधि विधायक सूत्र, और तीसरा सूत्र है अपना रपर संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है, तीन सूत्र अपने पास में रहे, पहला गुण संज्ञा विधायक सूत्र, दूसरा है गुण संधि विधायक सूत्र, और तीसरा सूत्र है अपने पास में रपर संज्ञा विधायक सूत्र। अब अपन पढ़ते हैं पहले सूत्र के बारे में, और पहला सूत्र है अपना गुण संज्ञा विधायक। गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? ठीक है, अब याद रखना, एक सूत्र ऐसा होगा जिसके लिए लिखा हुआ है संज्ञा, एक के लिए लिखा हुआ है संधि। ठीक है, अब संधि है तो मैं आपको बताऊं, सुधराता है आदि गुण और संधि संज्ञा के लिए सुधराएगा अधेन गुण। परपर का सूत्र है उरण रपर। अब देखो कि परीक्षा में यदि पूछा जाता है, अब अपने पास में तीन प्रश्न तो केवल सूत्र के बन जाते हैं। पहला प्रश्न बना गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते अदेन गुण, गुण संधि विधायकम सूत्रम वर्तते आद गुण, रपर संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते उरण रपर। अब देखो अदेन गुण के अंदर क्या आता है, संधि करेंगे इसकी टुकड़े, तो पहला टुकड़ा होगा अत, फिर होगा एंग, फिर गुणा। एंग में जाएंगे एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो अक्षर आते हैं, एक ए और दूसरा आता है ओ। अत दिया है इसका मतलब यहाँ पे केवल कौन सा अक्षर स्वीकार किया जाएगा, अ, क्योंकि जब अपन संज्ञा वर्णमाला पढ़ते हैं तब एक सूत्र आता है पाणिनि शिक्षा पद्धति में कि तपरह तत्कालस्य, कि पाणिनि शिक्षा पद्धति में जब अपन स्वर का विभाजन पढ़ते हैं तो स्वर के विभाजन में जैसे अपने अ के 18 भेद मानते हैं, ऋष्व दीर्घ प्लुत, और जब किसी भी वर्ण को साथ में यदि अपन त जोड़ दे
इसका मतलब उस त का संयोग ऋष के साथ में अ के साथ त जोड़ेंगे तो अत बनेगा, तो अत के कितने भेद होंगे? 6। आ के साथ त जोड़ेंगे तो आत बनेगा, तो आत भी कितने प्रकार का हो जाएगा? 6 प्रकार का। तो त जोड़ने से वह वर्ण जिस अवस्था में होता है वह उसी अवस्था में रहता है, कभी भी आपस में जुड़ता नहीं है, ये बातें याद रखनी है। उसके बाद में अत एंग और गुण एंग जो प्रत्यार आता है माहेश्वर सूत्र का कैसे चलता है? अ इ ओण री लृक ए ओंग, एंग जो प्रत्यार बना है उस एंग प्रत्यार में कितने वर्ण आते हैं? 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ वर्ण, ठीक है। उसके साथ में क्या आ रहा है? आ रहा है। अब अपन पूछ ले परीक्षा में कभी कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं? गुण संज्ञक वर्ण, गुण संज्ञक वर्ण का जैसे नाम आता है अपने पास में उत्तर क्या हो जाएगा? अ ए ओ, ये तीनों वर्ण हमेशा गुण संज्ञक कहलाते हैं। याद रखना, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, उत्तर क्या होगा? 3। या गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? गुण संज्ञक वर्ण जो होते हैं हमेशा अ ए ओ, 3 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं आगे, आगे लिख रखा है आद गुणा है, यहाँ पे अ त था, यहाँ पे हो जाएगा आ त। इसका मतलब ये कि संधि करने के लिए अपने को अ के साथ में आ वर्ण को भी स्वीकार करना है, ठीक है। कि इसकी भी क्या संज्ञा हो जाती है? गुण, जैसे अपने लिखा अ के साथ में अ और आ दोनों हो और उसके पश्चात यदि ई अथवा ई वर्ण आता है तब दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ये ए वर्ण का निर्माण होता है। दूसरा नियम, यदि अ और आ के साथ उ अथवा उ वर्ण आता है तब दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? आत, क्योंकि अ के साथ में और किसको स्वीकार किया जाता है? तो आ को भी स्वीकार किया जाता है। देखिए, पहला सूत्र संज्ञा सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या हो गया? संधि सूत्र, और तीसरा सूत्र आएगा तो संधि का ही, लेकिन ये क्या कहलाएगा? रपर संज्ञा विधायक कहलाएगा। सूत्र क्या है? उरण रपर, ये क्या काम करता है तो इसके बारे में देख लेते हैं। 2 नियम ये बनाएगा। तीसरा नियम जो बनेगा, तीसरा नियम कहता है कि यदि अ और आ के साथ में री अथवा री आती है तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। अगला नियम, यदि अ और आ के साथ में लृ वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाता है? अल बन जाता है। ये दोनों प्रकार के नियम बनाने का काम कौन सा सूत्र करता है? तब सूत्र आता है उरण रपर, और ये ए और ओ बनाने का जो काम है वह कौन सा सूत्र करता है? तब वहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? आद गुण। प्रश्न पूछ ले गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से है, तो गुण संज्ञक वर्ण 3 है, कौन कौन से होंगे? अ ए ओ होंगे, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। पहला प्रश्न बनता है गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अदेंग गुण, गुण संधि विधायकम सूत्रम आद गुण, रपर संज्ञा विधायकम सूत्रम उरण रपर, गुण संज्ञक वर्णा 3 के अ ए ओ। अ ए ओ क्या कहलाते हैं? गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। बात करते अब अपन एक एक नियम के बारे में कि किस प्रकार से इन वर्णों का निर्माण होता है, किस प्रकार से किस किस वर्ण का निर्माण होगा और कौन कौन से। अब अपने पास में 4 नियम होंगे, ए ओ अर और अल।
अब अपन प्रत्येक नियम के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इन सूत्रों को और भी विस्तार पूर्वक पढ़ा जा सकता है यदि अपन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अभी अपना उद्देश्य केवल रिट की परीक्षा को इस पास करना है। इन वीडियो के अंतर्गत जितना भी मैटर दिया जा रहा है अभी केवल रिट की परीक्षा के लिए सीमित किया गया है, ठीक है। तो रिट की परीक्षा के लिए अब मैं आपको बता दूं, पहला नियम कि पहला अपना जो नियम है वह नियम है यदि अ और आ के साथ ई अथवा ई मिल जाती है तब दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है ए। दो वर्णों के स्थान पर कभी भी एक वर्ण आ जाता है तो वह जो आदेश होता है वह आदेश हमेशा एकादेश कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि दो अलग अलग वर्णों के स्थान पे एक वर्ण आता है, इसीलिए यह आदेश क्या कहलाता है? एकादेश कहलाता है। बात करते हैं अपन नियम की, ठीक है। पहला नियम अपन लिखा है, अब यहाँ पे उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यदि मैंने उदाहरण लिखा परम, फिर लिखा ईश्वर, परम धन ईश्वर, याद रखना ईश्वर अथवा ईश के बारे में पूछा जाता है तो मात्राएं में स कैसी होती दीर्घ, और इंद्र के बारे में यदि कभी उल्लेख होता है इंद्र की मात्रा में स कैसी होती है ऋष्व होती है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अपन परम, अब माँ में देखिए यहाँ पे क्या मिला हुआ है अ मिला हुआ है, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है ई आ रहा है। नियम था अ आ में से कोई एक हो सकता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है अ आ रहा है, पी ई ई में से कोई एक हो सकता है तो यहाँ पे क्या आ रहा है दीर्घ। दोनों को मिलाने से यहाँ पे कौन से वर्ण का निर्माण हो जाएगा? तो दोनों को मिलाने से यहाँ पे कौन से वर्ण का निर्माण होगा? ए वर्ण का निर्माण होगा। अब देखिए म पूरा था उसमें से स्वर निकला तो यहाँ पे म जो होगा वह म कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। उसके बाद में दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा? ए बनेगा। इसकी ई चली गई, पीछे शेष क्या रहेगा? स्वर, क्या शेष रहेगा? तो स्वर शेष रहेगा। अब देखो म में क्या मिलाएंगे? ए मिला देंगे। तो म में जब अ मिलता है तो म आ मिलेगा तो आ, मे में ए मिलेगा तो म में ए मिला तो क्या बन गया? मे। पीछे क्या जोड़ देंगे? स्वर, शब्द का निर्माण हो गया और अपना शब्द क्या बन गया है? पर मे स्वर। गुण संधि की पहचान के लिए यदि किसी भी शब्द में ए ओ अर अल दिखाई देता है ऐसे स्थानों पे हमेशा गुण संधि ही मानी जाती है। जो चार नियम है उन चारों नियमों का उल्लेख यहाँ पे मे में क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। परमोत्कृष्ट आता है तो ओ दिखाई देता है, तवल अल आ रहा है तो अल दिखाई देगा, ऋषि वाल री ऋषय ऐसे करके री अर ग्रीष्म ऋतु परमर्षु सप्तर्षि देवर्षि महर्षि आए अर का उल्लेख होता है तब भी वहाँ पे कौन सी संधि मानी जाती है? गुण संधि मानी जाती है। अब अपन गुण संधि के कुछ और नियम लिख लेते हैं और एक कौन से नियम लिखेंगे केवल ए से बनने वाले शब्दों के कुछ और उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से संधि की ओर काम की जाती है। सब लिखा अपने राजा धन ईशह, सब लिखा महाधन ईशह, ठीक है। शब्द लिखा अपने महा प्लस इंद्र, शब्द लिखा उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, शब्द लिखा यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, फिर सब लिखा साधन इयम, शब्द के साधन इयम। उसके बाद उदाहरण लिखे
ईर्षा धन एव फिर शब्द लिखा कांता प्लस एव कांता धन एव फिर शब्द लिखा अपन ने अत्र प्लस इदम अत्र धन इदम फिर शब्द लिखा वारांगना धन एव ठीक है। ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं, अब इनको अपन जल्दी जितना जल्दी हो सके एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद इस शब्दों का निर्माण करते किस प्रकार शब्दों का निर्माण देख लीजिए जल्दी किसका निर्माण कैसे होता है ठीक है। उसके बाद जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते अपन। देख लिए करते एक एक उदाहरण को। सबसे पहले लिखा राजा, अब अपने को क्या करना है अंतिम स्वर को हटा करके यहाँ पे क्या लगा देना ए, इसकी ई हटा देनी ठीक है। दोनों स्वर को हटाना है, एक नया अक्षर लाना कौन सा ए, तो ज में ए मिलाएंगे क्या बन जाएगा जे बनेगा, पीछे वाला अक्षर जोड़ देना है शब्द क्या बन जाएगा राजेश। महा में आ है क्या लिखना है हे लिखना है ठीक है, पीछे जोड़ेंगे श शब्द क्या बन जाएगा महेश। वहा क्या बनेगा हे इंद्र, उप प को पे पीछे इंद्र शब्द क्या बन जाएगा उपेंद्र। यथा लिखा यथा को थे कर दो पीछे ष्ट जोड़ देंगे शब्द क्या बनेगा यथेष्ट। सा को क्या लिखेंगे से प्लस यम जोड़ दो से यम। ईर्ष ईर्ष को क्या लिखेंगे ईर्षे फिर व। कांत को कांते लिखो पीछे क्या जोड़ेंगे व कांते। अत्र को क्या लिखेंगे अत्रे पीछे क्या जोड़ेंगे दम ये दम। फिर वारांग ना को क्या कर देंगे पीछे क्या जोड़ देंगे व शब्द क्या बन जाएगा वारांगनी। तो जहाँ पर एक ही मात्रा दिखाई देती है वहाँ हमेशा गुण संधि का प्रयोग किया जाता है ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरे नियम के बारे में अध्ययन करते कि अपना दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है कि यदि अ आ के पश्चात क्या आ जाए उ आता है हमेशा क्या बन जाता है ओ बन जाता है क्या बन जाता है ओ। तब अपन दूसरे नियम के बारे में लिख लेते हैं फिर एक एक नियम को एक एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं ठीक है। पहला नियम होगा अपना, सबसे पहला नियम पढ़ा था अपन ने ए के बारे में। अब अपना दूसरा नियम है कि यदि अ आ के पश्चात क्या आ जाए ओ अथवा ओ आता है तब दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा क्या बनेगा ओ। अब ये ओ का निर्माण कैसे होता है इसको अपन समझ लेते हैं। उदाहरण लिखा यदि अपन ने कार्य धन उपासना, उदाहरण क्या लिखा है कार्य धन उपासना। अब देखो इस य के अंतर्गत क्या मिला हुआ है अ मिला हुआ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है वो आ रहा है, तो जब दोनों का संयोग होगा तो यहाँ पे कौन से वर्ण का निर्माण हो जाएगा ओ वर्ण का। लिख रखा है कि अ आ के पश्चात उ आता है दोनों का मिला करके क्या बनाना है ओ बनाना है, ओ का निर्माण हुआ। अब देखो य में से क्या निकाल दिया अ निकाल दिया तो ये य बचेगा य कैसा होगा हलंत हो जाएगा, फिर दोनों को मिलाने से क्या बनाना है ओ बनाना है तो ये क्या हो जाएगा ओ बन जाएगा। उसके बाद में ओ चला गया पीछे क्या शेष रहेगा पीछे शेष रहेगा पासना, पीछे क्या शेष रहेगा पासना शेष रहेगा। अब देख लीजिए य में क्या मिलाएंगे ओ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कार्यो
और पीछे वापस क्या जोड़ देंगे, पास ना शब्द का निर्माण हो गया और वो शब्द अपना क्या बन गया है, कार्यो पास ना, यहाँ पे ओ की आवृत आगम हुआ है, ओ का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी संधि मानी जाएगी, गुण संधि मानी जाएगी, क्योंकि ए था पहले नियम में, दूसरे नियम में क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब अपन इसके बारे में कुछ और अन्य उदाहरण के माध्यम से पढ़ लेते हैं। शब्द लिखा जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्यधन उदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रधन उदय, फिर अगला है धन प्लस उष्मा, धन धन उष्मा, फिर परीक्षा धन उत्सुक, फिर देव धन उपासना, देव धन उपासना, देव धन उपासना, फिर निम्न प्लस ऊर्ध्वम, निम्न धन ऊर्ध्वम, निम्न धन ऊर्ध्वम, फिर कविता प्लस उक्तम, कविता धन उक्तम, फिर शकुंतला प्लस उत्थाय, शकुंतला धन उत्थाय, ठीक है। ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे, एक बार उदाहरण को देख लीजिए फिर अपने सोल्व कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला उदाहरण क्या है, सूर्यधन उदय, यहाँ पर भी अ आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ऊ, अ और ऊ का संयोग होकर अपने को क्या बनाना है, ओ। अंतिम जितने भी व्यंजन आ रहे इसको अपने को क्या कर देना है, ओ में परिवर्तन करना है, और ये पीछे जो पहले पहले स्वर इसको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। सूर्य में अ आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, यो कर दूंगा, ठीक है। पीछे ये इसको हटा दिया, पीछे क्या जोड़ देंगे, दय, शब्द का निर्माण हो गया और शब्द क्या बन गया, सूर्योदय। चंद्र में भी ऐसे करेंगे, चंद्र में ओ जोड़ेंगे, चंद्रो, पीछे दय जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, चंद्रोदय। धन को क्या करेंगे, धनो, पीछे क्या जोड़ देंगे, क्षमा। परीक्षा में ओ जोड़ो, परीक्षो, पीछे तसुकह, शब्द क्या बन गया, परीक्षोत्सुकः। देव को देवो कर दो, पीछे क्या जोड़ेंगे, पासना, शब्द क्या बन गया, देवो पासना। निम्न को निम्नो, पीछे ध्वम, निम्नो और ध्वम। उसके बाद कविता को कवितो, तम, कवितोक्तम। उसके बाद शकुंतला को, शकुंतला को लो करो, पूछला गया थाय, शकुंतलोत्थाय, ठीक है। इस प्रकार से ए के बाद में जो दूसरा नियम आया वो क्या कहलाएगा, ओ। ओ का नियम जहाँ पर भी आता है, ओ किसी भी शब्द के, संधि शब्द के यदि बीच में कहीं दिखाई देता है, ऐसे शब्दों में भी हमेशा कौन सी संधि का प्रयोग किया जाता है, वह संधि भी अपनी कौन सी कहलाती है, गुण संधि कहलाती है, ठीक है। बात करते हैं अपन गुण संधि के तीसरे नियम की, और तीसरा नियम अपन ने पढ़ा था कि रपर संज्ञा करने का जो सूत्र है, रपर संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, उरण रपर, और उरण रपर में अपन ने पढ़ा था कि अर एवं अल नियम आदेश होता है। तब अपन तीसरा जो नियम है, कौन सा नियम है, अल के बारे, अर के बारे में, अर के बारे में अध्ययन कर देते हैं। तब नियम कहता है कि यदि अ एवं
आ के पश्चात री अथवा री आता है, तब दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अर आदेश। ठीक है, अब पहला नियम यदि मैंने लिखा, शब्द लिखा मैंने राजा, फिर लिखा ऋषि ही। क्या लिखा? राजा धन ऋषि ही। अब देखो कि राजा में यहाँ क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? आ। और पीछे यहाँ पे क्या मिली हुई है? री मिली हुई है। ठीक है, अब दोनों को मिला करके अपने को क्या बनाना है? अर बनाना है। क्या बनाना है? अर। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? अर लिखेंगे। अब जा में आ मिला हुआ था, आ निकलता है, तो ये ज है वह कैसा हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। फिर दोनों को मिलाने से अपने पास क्या आया है? अर आया है, या लिख देंगे अर। और उसके बाद में री चली गई, शेष क्या रहा? शेष रहा शी ही, शी यहाँ लिखेंगे। अब देखो ज में क्या मिलेगा? अ मिलेगा, तो ये ज तो है कैसा हो जाएगा? पूरा। उसके बाद र व्यंजन हलंत है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? क्षी हो जाएगा। अब इसको अगर अपन मिलाएंगे, ये र आगे वाले वर्ण के ऊपर जाके रेफ बनेगा, ज पूरा है शी है, और ये र कहाँ ले जाएंगे? आगे वाले वर्ण के ऊपर शब्द का निर्माण हो गया। और किस शब्द का निर्माण हुआ है? राजर्षि शब्द का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर जितने भी र होंगे वो सारे आगे आगे चले जाएंगे। तो इस प्रकार का जहाँ पर भी र दिखाई देता, अर देखो राजर देवर महर कणवर ऐसे नारद, ऐसे र अर जा की अनुभूति होती हो, ऐसे समस्त उदाहरणों में हमेशा गुण संधि का प्रयोग माना जाता है। ठीक है, उदाहरण कुछ और ले लेते हैं अपन। उदन लिखा मैंने देव धन ऋषि ही, देव धन ऋषि ही। अगला उदन लिखा कण्व धन ऋषि ही, कण्व धन ऋषि ही। फिर लिखा देवता धन ऋकार, देवता धन ऋकार। फिर सब लिखा अपन ने कृष्ण धन हृदि ही, कृष्ण धन हृदि ही। फिर लिखा नारद धन ऋषि ही, नारद धन ऋषि ही। फिर लिखा वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु। फिर लिखा ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। फिर लिखा वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। ठीक है, अब देखो इनको उदाहरणों को अपन सिद्ध कर देते हैं, इनसे किन प्रकार के किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। बात करते हैं देवर्षि की। अपने को पता है यहाँ पे व में से अ निकलेगा, लेकिन दोनों को मिलाने से वापस क्या बनेगा? अर बनेगा। ये जो अंतिम अक्षर होंगे वो वापस कैसे हो जाएंगे? अ बनेगा। आ है तो भी जाकर के क्या बनेगा? अ। ठीक है, ये यहाँ से री हटेगी, और अंतिम वाले अक्षर के ऊपर अपने को क्या लगाना है? र लगाना है। ठीक है, देख लेते देव का क्या लिखा, देव लिखा री चली गई, पीछे क्या लगा देंगे? श। अर का क्या लिख देंगे? र। शब्द क्या बन जाएगा? देवर्षि बन जाएगा। कण को भी ऐसे लिखेंगे कणवर्षि, कण का क्या बन जाएगा? कणवर्षि ही। देवता का देवत कारह, कार के ऊपर क्या चला जाएगा? र चला जाएगा। फिर कृष्णर्दी, ठीक है, तो कृष्ण पूरा, यदि के ऊपर क्या आ जाएगा? र, तो कृष्णर्दि। नारद का नारदर्षि ही, क्या बन जाएगा? नारदर्षि ही। वसंत का वसंत पूरा है, इधर लगा देंगे तू, तू के ऊपर क्या आ जाएगा? र। शब्द क्या बन जाएगा? वसंतर्तुः, क्या बन जाएगा? वसंतर्तुः। फिर ग्रीष्म को
शब्द क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। वर्षा का क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु। वर्षा कर रहे ऊपर ये, इसका आ और मिलेगा, एक र और आएगा, शब्द क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु। तो जहाँ पे अर की अनुभूति होती हो वहाँ पर भी हमेशा कौन सी संधि का प्रयोग किया जाएगा? तो वह संधि भी हमेशा क्या कहलाएगी? गुण संधि कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं आप चौथे नियम की। चौथा जो नियम है वह चौथा नियम अपना क्या होगा? चौथा नियम हो जाएगा अपना अर की जगह क्या आ जाना चाहिए? अल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल। तो जहाँ पे अल होगा वहाँ पर भी हमेशा कौन सी संधि मानी जाती है? वहाँ पर भी हमेशा कौन सी संधि मानी जाती है? गुण संधि ही मानी जाती है। और अल का जो नियम है वह नियम अपना कौन सा हो जाएगा? चतुर्थ नियम होगा। और चतुर्थ नियम के बारे में भी अपन लिख लेते हैं। क्या नियम है? कि यदि अ एवं आ के पश्चात क्या आ जाए? लृ। तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है? अल बन जाता है। क्या बन जाता है? अल बन जाता है। ये चौथा नियम बन जाएगा, अल का बन जाएगा। उदाहरण उदाहरण मैंने लिखा माला। क्या लिखा है? माला धन लृ कार। माला धन लृ कार। देख लीजिए, माला में ला में क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। और इधर पीछे क्या मिली हुई है? लृ मिली हुई। क्या मिली हुई? लृ। आ और लृ का जब संयोग होगा तो दोनों के स्थान पे क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल। अल का नियम यहाँ पे आया है। माला में से आ में से ला में से आ चला गया, यहाँ पे जो ल होगा वो कैसा होगा? हलंत होगा। और दोनों के स्थान पे यहाँ पे कौन से शब्द का निर्माण हो रहा है? अल का। और पीछे ल चला गया, यहाँ पे शेष क्या रहा है? कार शेष रहा है। क्या शेष रहा है? कार। अब देखो ल में क्या मिलेगा? अ मिलेगा। यहाँ पर जो ल होगा वो कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। फिर पीछे ये ल कैसा होगा? हलंत होगा। और फिर पीछे क्या बचा हुआ है? कार बचा हुआ। अब इसको अगर अपन मिलाएंगे तो ल पूरा भी आएगा और ल हलंत भी आएगा। और पीछे क्या जोड़ देंगे? कार जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण हो जाएगा। और वो शब्द क्या बन जाएगा? मालल कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मालल कार। ठीक है, इसी तरह कुछ उदाहरण और लिख लेते। शब्द लिखा अपन ने शाला धन लृ कार। शाला धन लृ कार। शब्द लिखा माला धन लृ कार। शब्द क्या लिखा? माला धन लृ कार। शब्द लिखा अपने तव धन लृ कार। ठीक है, शब्द लिखा अपने म म धन लृ कार। म धन लृ कार। शब्द लिखा अपने महाधन लृ कार। क्या लिखा? महाधन लृ कार। सेम यथावत बनेंगे। क्या बनेंगे? शाला लिखा है, अंतिम अक्षर को क्या करना है? अलग अ करना है। शाला को क्या कर देंगे? शा ल करेंगे। इस ली के स्थान पे क्या लिख देंगे? आधा ल। पीछे क्या जोड़ेंगे? कार। शब्द क्या बन जाएगा? शालल कार। माला में भी ऐसे करेंगे, मा ल फिर ल आधा, पीछे क्या जोड़ेंगे? कार। शब्द क्या बन गया? मालल कार। तब क्या क्या करेंगे? तब ल आधा, पीछे कार जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? तवल कार। उसके बाद मम, तो मम, फिर लृ के स्थान पे क्या लिखेंगे? ल। पीछे क्या जोड़ेंगे? कार। शब्द क्या बन जाएगा? ममल कार। शब्द लिखा महा, महा को क्या लिखेंगे? ह। ल आधा, पीछे कार जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा? महल कार। शब्द क्या बन जाएगा? महल कार। तो आज अपन ने क्या देखा? गुण संधि के बारे में बनने वाले चार नियम के बारे में पढ़े थे, ए ओ अर अल। ठीक है,
और गुण संधि के कौन कौन सूत्र होते हैं, संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, संधि सूत्र कौन सा होता है और रबर संज्ञा करने का सूत्र कौन सा होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन किया है। अगले वीडियो में अपन गुण संधि के जो अपवाद स्वरूप जितने भी सूत्रों का वर्णन किया हुआ है, वो गुण संधि के अपवाद स्वरूप जितने भी सूत्र है, जितने भी वार्तिक है, उनका उल्लेख अपन आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।